भारत का पैसा विदेश में काला धन के रूप में रखने वालों के अब खैर नहीं। स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की लिस्ट मोदी सरकार के हाथ लग गई है। भारतीयों के लिए ब्लैक मनी रखने का अड्डा बन चुके स्विस बैंक ने मोदी सरकार को खाता धारकों की नई लिस्ट सौंप दी है। इस लिस्ट में उन लोगों की जानकारी दी गई है जिनका काला धन इस बैंक में जमा है। स्विस बैंक द्वारा दी गई इस लिस्ट में भारत के टैक्स अधिकारियों को यह पता करने में मदद मिलेगी कि क्या टैक्स पेयर्स ने रिटर्न में अपने वित्तीय खातों के बारे में सही जानकारी दी है। खबरों के मुताबिक स्विस बैंक ने भारत को ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों और संस्थाओं के स्विस बैंक में खातों की जानकारी की दूसरी लिस्ट दी है। भारत उन 86 देशों में शामिल है जिनके साथ स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FTA ने इस साल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन पर वैश्विक मानक के भीतर खातों की जानकारी साझा की है। इससे पहले भारत को पहली सफलता सितंबर 2019 में मिला था जब ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ने भारत को इस मामले में पहली लिस्ट सौंपी थी। उस समय इसमें कुल 75 देश शामिल थे। FTA ने बयान में कहा कि इस साल सूचना के आदान प्रदान में लगभग 31 लाख वित्तीय खाते शामिल हैं। साल 2019 में लगभग इतने ही खातों की जानकारी दी गई थी। हालांकि 86 देशों के बीच भारत के नाम का अलग से कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन बैंक अधिकारियों ने बताया कि भारत उन प्रमुख देशों में से है जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों के ग्राहकों और दूसरे वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय खातों के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि इस साल 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड ने 30 लाख से ज़्यादा वित्तीय खातों के बारे में जानकारी दी है और इसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों और संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बयान के मुताबिक स्विस अधिकारियों ने भारत के अनुरोध पर एक साल में 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है जिनके खिलाफ टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों की जाँच चल रही थी। ये सभी मामले ज़्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं जो 2018 से पहले बंद हो चुके हैं। AUI केवल उन खातों पर लागू होता है जो 2018 के दौरान चालू थे या बंद थे। हालांकि अधिकारियों ने गोपनीयता का हवाला देते हुए भारतीयों को मौजूदा खातों की संख्या या इनमें जमा धनराशि के बारे में ब्यौरा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन स्विस बैंक अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसमें पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी जरूर शामिल है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने काले धन के खिलाफ पिछले 6 सालों से अभियान जारी रखा है जिसमें सरकार को धीरे धीरे स्विस बैंक की सहायता से सफलता हाथ लगने लगी है, जो भारत सरकार के लिए काले धन के खिलाफ बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। D3 न्यूज़।